में अत्यधिक महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में जैन साहित्य के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। जैन साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक सूची के रूप में शामिल किया जाता है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक विषयों के बारे में परिचर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम जैन साहित्य के बारे में परिचर्चा करेंगे, उसके बाद जैन साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण दर्शन आगम साहित्य के बारे में परिचर्चा करेंगे, फिर भद्रबाहु चरित के बारे में परिचर्चा करेंगे, फिर परिशिष्ट पर्व के बारे में परिचर्चा करेंगे, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों के बारे में परिचर्चा करेंगे। वस्तुतः ये सभी धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इन सभी धार्मिक ग्रंथों के अंतर बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो इतिहास लेखन, विशेषकर प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसकी भूमिका इस संदर्भ में है कि जैन साहित्य हमारी पुष्टि करता है विभिन्न प्रकार के बौद्ध साहित्य या फिर विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण साहित्य में दी गई सूचना या पुरातात्विक सूचनाओं के साथ मेल करवाने में, अतः अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में जैन साहित्य महत्वपूर्ण है और इसकी परिचर्चा करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में जैन साहित्य का बहुत विशेष महत्व है जो हम जानते हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ ऐसे भारतीय पक्षों का परिचय मिलता है जिनकी ब्राह्मण साहित्य में अथवा बौद्ध साहित्य में या तो परिचर्चा नहीं की गई है, यदि की भी गई है तो बहुत अल्प की गई है। और जहाँ पर कुछ दूसरा पक्ष है ब्राह्मण साहित्य या बौद्ध साहित्य में, उसके विपरीत कुछ अलग तरह का पक्ष हमें जैन साहित्य में दिखाई देता है। अधिकांश जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नांकित है, जिनकी परिचर्चा हम एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। आगम, आदि जैन ग्रंथों को या प्राचीन जैन ग्रंथों को आगम के नाम से पुकारा गया है। बाद में उनका संकलन पूर्व नामक 14 प्रग्रंथों में किया गया, फिर इसके पश्चात उनका संकलन अंग नामक 12 ग्रंथों में हुआ। और इन 12 ग्रंथों के नाम हैं आचारंग, दांडंग, भगवती सुत्त, समवायंग सुत्त, आचारता सुत्त, सुयेडगडंग सुत्त, नायाधम्मकाहा सुत्त, उवा संग दसाहो सुत्त, दिट्ठीवाय सुत्त, विभागोस्वम सुत्त, अंतगडसाहो सुत्त। इन ग्रंथों में जैन मुनियों के आचार विचार और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में विस्तृत विवेचना की गई है। वस्तुतः इन जैन ग्रंथों के तहत जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उन सिद्धांतों के ऊपर महावीर स्वामी के विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का समावेशन किया गया है, साथ ही उनकी गहराई से विवेचना की गई है, जो आगामी जैन दर्शन और जैन धर्म के महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं धार्मिक विषयों पर। भद्रबाहु चरित, इस ग्रंथ से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की कुछ घटनाओं के बारे में परिचर्चा मिलती है। साथ ही जैन धर्म में दो महत्वपूर्ण संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में भी परिचर्चा मिलती है। और 12 वर्ष के मगध में शासन काल में पड़ने वाले अकाल के बारे में भी हमें सूचना मिलती है। परिशिष्ट पर्व, यह ग्रंथ जैन साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ की रचयिता हेमचंद्र थे। इस ग्रंथ की रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में हुई। इस ग्रंथ से महावीर स्वामी के काल के राजाओं व अन्य समकालीन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैन सम्राटों या भारत के विभिन्न भागों में ऐसे शासक जिन्होंने जैन धर्म की पुष्टि की या जैन धर्म का अनुनयन किया या जैन धर्म का पालन किया या जैन धर्म को संरक्षण दिया, उन सभी के बारे में परिशिष्ट पर्व बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है और ये महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में सामने आता है। प्रमुख जैन ग्रंथों के अतिरिक्त कथाकोश, पुण्याश्रव कथाकोश, लोक विभाग,
त्रिलोक प्रज्ञप्ति, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कलिंगा पुराण आदि अनेक जैन ग्रंथ भारतीय इतिहास की सामग्री उपस्थित करते हैं। जैन साहित्य में कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जिनका प्रकाशन जिनकी अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं हो सका है, जिससे बहुत सी ऐतिहासिक सामग्रियां नहीं प्राप्त की जा सकी है, किंतु कल्प सूत्रों से जो कुछ सामग्री प्राप्त हो सकी है उसकी उपयोगिता निर्विवाद रूप से है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने विभिन्न प्रकार के जैन ग्रंथ जिनके तहत आगम, परिशिष्ट पर्व और भगवती सूत्र के बारे में विस्तृत परिचर्चा की और यह समझने का प्रयास किया कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में इन ग्रंथों की किस तरीके से और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।